हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, आज की मेरी यह वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपना यूएन नंबर कैसे एक्टिवेट करें, वो भी अपने मोबाइल से। फ्रेंड, अगर आप भी एक पीएफ मेंबर है तो यह वीडियो आपके लिए आगे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाली है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन, जिससे आपको आगे भी इसी तरह की नई नई वीडियो देखने को मिलती रहे और उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। फ्रेंड, काफ़ी सारे पीएफ मेंबर ऐसे होते हैं जो अपना यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब तक आपका यूएन नंबर एक्टिवेट नहीं होगा तब तक ना तो हमारे पीएफ अकाउंट में केवाईसी हो पाएगी और ना ही हम कोई भी क्लेम कर सकते हैं। इसलिए पीएफ की सारी डिटेल जानने के लिए यूएन नंबर एक्टिवेट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि अपना यूएन नंबर कैसे एक्टिवेट करें, वो भी अपने मोबाइल से स्टेप बाय स्टेप। फ्रेंड, सबसे पहले हम गूगल पर मेंबर होम टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ राइट साइड में आपको एक एरो दिखाई देगा। बहुत से फ़ोन में यहाँ पर थ्री डॉट्स होते हैं, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ नीचे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा डेस्कटॉप साइट का। इसके आगे जो बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद हमारे मोबाइल फ़ोन पर जो कंप्यूटर की डेस्कटॉप साइट है वो यहाँ ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर हम इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर यहाँ पर इस अलर्ट को क्लोज कर देंगे। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। फिर यहाँ पर आपको चार पांच ऑप्शन दिखाई देंगे, तो यहाँ पर हम एक्टिवेट यूएन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने यूएन एक्टिवेट वाला पेज ओपन हो जाएगा। फ्रेंड, अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है एक एक स्टेप, जब भी आप अपना यूएन नंबर एक्टिवेट कर पाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको यूएन नंबर का एक ऑप्शन दिखाई देगा। इसके आगे बॉक्स में अपना यूएन नंबर टाइप कर देंगे। अगर आपके पास यूएन नंबर नहीं है तो आप यहाँ मेंबर आईडी पर क्लिक करके अपनी मेंबर आईडी भी टाइप कर सकते हैं, जो होती है 16 डिजिट की, जिसको हम बोलते हैं पीएफ नंबर। इससे भी आपका यूएन नंबर जनरेट हो जाएगा और एक्टिवेट भी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ आधार के आगे जो बॉक्स बना हुआ है, इसमें अपना आधार नंबर टाइप कर देंगे। फिर यहाँ नाम के आगे अपना नाम टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ के आगे अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइप कर देंगे। फ्रेंड, जो ये आपने आधार नंबर, नाम और डेट ऑफ बर्थ टाइप किया है, ये आपको वही टाइप करना है जो आपके पीएफ रिकॉर्ड से मैच होता है। मतलब जब आपका कंपनी में पीएफ में रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, उस टाइम जो आपने डिटेल्स दी थी कंपनी को, वही सेम डिटेल्स आपको यहाँ पर टाइप करनी है। बहुत से मेंबर यहाँ पर एक गलती करते हैं कि वो अपने आधार कार्ड से डिटेल डालते हैं। अगर आपकी आधार कार्ड और पीएफ से डिटेल मैच होती है तो आप टाइप कर सकते हैं, नहीं तो जो आपके पीएफ अकाउंट में है वही डिटेल्स आपको यहाँ पर टाइप करनी है। अगर आपने यहाँ पर कुछ भी गलत टाइप किया तो आपको यहाँ पर एक एरर दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिक डिटेल्स लाइक नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आधार इज आर मिसिंग इन यूएन, प्लीज़ कॉन्टेक्ट यूर एम्प्लॉयर टू कम्प्लीट द डिटेल्स। मतलब फ्रेंड, जो आपकी बेसिक डिटेल्स हैं लाइक नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर या आधार नंबर, इसमें से कुछ मिसिंग है आपके यूएन में, प्लीज़ अपनी कंपनी के एम्प्लॉयर से कॉन्टेक्ट करके कंप्लीट डिटेल भरे। तो फ्रेंड, इस तरीके का आपको यहाँ पर एक एरर दिखाई देगा। एक तो ये हो गया और दूसरा एरर आता है यहाँ पर नेम और डेट ऑफ बर्थ मिसमैच का। ये दो एरर आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। फ्रेंड, अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि अपना सही नाम और डेट ऑफ बर्थ कैसे पता करें। अगर कंपनी वाले आपको ना बताए तो आप खुद चेक करें सिर्फ एक मिनट में। फ्रेंड, उसके लिए हम यहाँ गूगल पर ईपीएफओ आईपी पोर्टल टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ नीचे सेकंड ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। फिर आपके सामने ईपीएफओ आईपी पोर्टल वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको चार पाँच ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर पहले नंबर पर लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर COC, इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। फिर आपके सामने नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा।
उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉई, यहाँ पर हमें अपनी डिटेल्स टाइप करनी होती है। तो यहाँ पर हम यूएन के आगे जो बॉक्स बना हुआ है इसमें यूएन नंबर टाइप कर देंगे, फिर यहाँ नीचे कैप्चा कोड टाइप कर देंगे, उसके बाद यहाँ सबमिट पर क्लिक कर देंगे, फिर आपके सामने नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सिलेक्ट मेंबर आईडी का, इसके आगे एरो पर क्लिक कर देंगे, फिर आपको कुछ सेकंड का वेट करना पड़ेगा। उसके बाद आपके सामने आपने जितनी भी कंपनियों में काम किया है वो सारी यहाँ पर आ जाएगी। फिर आपको जिस भी कंपनी का नाम और डेट ऑफ बर्थ पता करना है उस कंपनी की मेंबर आईडी को हम सिलेक्ट कर लेंगे। इस मेंबर ने सिर्फ एक ही कंपनी में काम किया है तो यहाँ पर हम मेंबर आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए जो भी आपकी पीएफ में डिटेल्स है वो सारी आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर एम्प्लॉई नेम के नीचे आप अपना नाम देख सकते हैं और डेट ऑफ बर्थ के आगे अपनी डेट ऑफ बर्थ भी देख सकते हैं। फ्रेंड, ये नाम और डेट ऑफ बर्थ आपका वही है जब आपका फर्स्ट टाइम पीएफ में रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो फ्रेंड, ये नाम और डेट ऑफ बर्थ आपको ध्यान से देखना है, इसी नाम और डेट ऑफ बर्थ से आपको यूएन नंबर एक्टिवेट होगा। अगर कंपनी वाले ना बताए तो आप खुद चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर के आगे अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देंगे, फिर यहाँ बॉक्स में कैप्चा कोड टाइप कर देंगे। उसके बाद यहाँ लेफ्ट साइड में आपको एक बॉक्स दिखाई देगा, इस बॉक्स पर क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ गेट ऑथराइजेशन पिन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको कुछ सेकंड का वेट करना पड़ेगा, फिर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ इंटर ओटीपी के आगे जो बॉक्स बना हुआ है इसमें ओटीपी टाइप कर देंगे, फिर यहाँ नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा वैलिडेट ओटीपी एंड एक्टिवेट यूएन का, इस पर हम क्लिक कर देंगे। फिर आपको कुछ सेकंड का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद आपका यूएन नंबर एक्टिवेट हो जाएगा। और फ्रेंड, जैसे ही आपका यूएन नंबर एक्टिवेट हो जाएगा तो एक्टिवेट होने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भी आ जाएगा। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं सेम ऐसे ही आपके नंबर पर भी मैसेज आएगा। इसमें यूएन नंबर के साथ साथ आपको एक पासवर्ड भी दिखाई देगा, तो इस पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं। इसमें थोड़ा पासवर्ड डिफ़िकल्ट होता है तो आप लॉगिन करके चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड, आई होप कि आप सारी जानकारी अच्छे से समझ गए होंगे कि अपना यूएन नंबर कैसे एक्टिवेट करें, वो भी अपने मोबाइल से स्टेप बाय स्टेप। और फ्रेंड, आपको कोई प्रॉब्लम आती है यूएन नंबर एक्टिवेट करने में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।